सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस आज जो है हम दिखाने वाले हैं आपको हुंडई की तरफ से आने वाली अल्काज़र गाड़ी। 7 सीटर आती है और काफी शानदार गाड़ी है। और इस गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स और सभी जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो, उम्मीद है सब मजे में होंगे, मौज में होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। और चलो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और गाइस यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर अपन को जो है ये ब्लैक कलर के अंदर पूरी क्रोमिक ग्रिल जो है वो गाड़ी की मिल जाती है। सेंटर में अपन को जो है हुंडई का लोगो दिया गया है जो कि पूरा ब्लैक मैट कलर के अंदर है। व्यू के लिए यहाँ पर 360 व्यू कैमरा भी मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर बात करें तो फ्रंट के अंदर यहाँ पर LED मिल जाते हैं। विद LED यहाँ पर जो है उनको अपने LED हेडलैम्प्स है वो दिए गए हैं, साथ ही में LED इंडिकेटर्स के साथ में। गाइस इनका जो कंसेप्ट आना ये काफी यूनिक और मेरे को काफी जो है वो अच्छा लगा। नीचे की साइड में यहाँ पर अपन को जो है फोग लैंप और अपने इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पर इंडिकेटर बल्ब के अंदर दिया गया। बाकी यहाँ पर जो है अपन को नीचे के जो है फोग लैंप्स वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नीचे अपन को मिल जाता है यहाँ पर क्रोमिक जो है अपनी ब्लैक कलर के अंदर ग्रिल्स। बाकी यहाँ पर दिया गया है अपन को टोइंग के लिए यहाँ पर कैप मिल जाती है। और बाकी गाइस गाड़ी जो है वो फ्रंट से देखने में जो है काफी यूनिक और जो है अट्रैक्टिव लगती है। और गाइस इनका जो ये यहाँ पर लाइट्स का भी जो कंसेप्ट है ना वो भी मेरे को काफी यूनिक और काफी प्यारा लगा। गाड़ी जो है आपको फ्रंट से देखने में काफी अच्छी और काफी यूनिक लगेगी। बाकी आप इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके टायर्स की। तो गाइस यहाँ पर अपोलो के 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देख लो आप, कम्प्लीटली यहाँ पर आपको जो है अपोलो के टायर्स दिए गए हैं। आप इनकी प्रोफाइल की बात करें तो 215/55R जो कि 18 इंच के टायर्स दिए गए हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर जो है आपको एलॉय रिम मिल जाती है डिस्क ब्रेक के साथ में। मिडल में आपको मिल जाता है हुंडई का लोगो। बाकी जो लुक्स है ना गाइस वो काफी यूनिक आते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है एडवेंचर की जो है वो यहाँ पर बेजिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साइड मिरर्स पे यहाँ पर पूरा जो है पैनोरामिक जो वो यहाँ पर क्रोमिक जो है वो यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर अपन को दिया गया है। इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाते हैं। और व्यू के लिए अपन को मिल जाता है 360 व्यू कैमरा। बाकी आप चेकआउट करो इसकी साइड से प्रोफाइल काफी यूनिक। रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मिल जाती है आपको ब्लैक कलर में इंसर्ट्स और ये कुछ आपको जो है किट यहाँ पर डोर्स पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस इसके अंदर डोर वाइजर्स अपन को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर वो रूफ रेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और गाइस ये 7 सीटर गाड़ी है तो यहाँ पर अपन को जो है विंडो जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है पीछे भी, जो कि अपनी व्यू के लिए यहाँ पर दी जाती है। पीछे के टायर चेकआउट करो। और गाइस ये है पूरी इसकी साइड प्रोफाइल, आप चेकआउट करो। पीछे अपन को चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी रियल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको अल्काज़र की जो है वो ब्रांडिंग में देखने को मिल जाती है। ऊपर हुंडई का लोगो दिया गया है, डिफोगर जैसा फीचर और पीछे का जो है वाइपर। यहाँ पर आपको जो है इंटीग्रेटेड एंटीना मिल जाता है और टेल लाइट ऊपर भी यहाँ पर आपको जो है गाइस वो इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके टेल लाइट्स की। तो यहाँ पर टेल लाइट्स दी गई हैं, पार्किंग लाइट्स दी गई हैं। बाकी इंडिकेटर जो आपको कुछ इस कंसेप्ट पे जो है यहाँ पर जो है ऑफर की जाती हैं। बाकी नीचे के साइड में आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पर कुछ जो है इंसर्ट्स जो है वो यहाँ पर दिखे। और गाइस एक और खास बात है, इसके अंदर आपको जो है ड्यूअल साइलेंसर जो है ड्यूअल एग्जॉस्ट जो है वो इस गाड़ी में आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफी एक अच्छा फीचर है और काफी जो है आपकी गाड़ी के लुक्स को जो है वो काफी अट्रेक्टिव बनाता है। बाकी यहाँ पर टर्बो की जो है वो बेजिंग मिल जाती है और ये अपना यहाँ पर टेल लाइट्स का कंसेप्ट यहाँ पर अपन को दिया गया है। बाकी ये चेकआउट करो इसके पीछे से पूरी जो है वो प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर दिया गया है पेट्रोल टैंक। ये अपने पास में पेट्रोल वेरिएंट है जिसका 50 लीटर की जो है वो फ्यूल कैपेसिटी अपन को मिल जाती है। और गाइस ये है गाड़ी की पूरी साइड बाई साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हो। इस साइड भी आपको जो है एडवेंचर की बेजिंग और यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाइस गाड़ी जो है ना वो देखने में काफ़ी हैवी और काफ़ी जो है वो बल्कि अपन को देखने को मिलती है। और जो लुक्स है ना वो भी गाइस गाड़ी के जो है काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर निकल कर आते हैं, मतलब गाड़ी काफ़ी प्यारी लगती है। और गाइस ये कलर भी काफ़ी यूनिक है। अब गाइस बात करते हैं इसके कीज़ की। तो ये है यहाँ पर इसकी यूनिक सी की,
यहाँ पर लॉक अनलॉक का जो बटन्स है सारे, यहाँ पर अपन को जो है ये पुश स्टार्ट मिलती है, तो इसके अंदर आपको ये वाली कीज जो है वो ऑफर की जाती है। गाइस कीज काफी प्रीमियम सी है। अब यहाँ पर अपन को जो है रिक्वेस्ट सेंसर है वो दिया गया है, तो आप जो है कीज को हाथ में लेके गाड़ी को जो है ओपन कर सकते हैं। आपके जो मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है, जब आप गाड़ी को ओपन करोगे तो ये अपने आप जो है ओपन हो जाएंगे। अब गाइस अंदर से आपको दिखाएं तो ये है इसके डोर्स। अब यहाँ पर जो है क्या क्या अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है, ये है लेदर की कवरिंग, यहाँ पर पूरी आर्मरेस्ट पर देखने को मिल जाती है। चाइल्ड लॉक वगैरह के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, अपने विंडो अप डाउन के फंक्शंस हैं, और अपने जो है मिरर के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स दिए जाते हैं। बाकी गाइस यहाँ पर बोस का जो है वो यहाँ पर अपन को स्पीकर्स मिल जाता है। गाइस सबसे एक प्यारा फीचर जो यहाँ पर ये देखो एमोलेड लाइट जो है ना वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि रात के समय में काफ़ी एक यूनिक चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइस यहाँ पर अपने बोतल वगैरह के जो है वो होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर छोटा सा ट्विटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी गाइस अपने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो सीट्स है ना वो भी यहाँ पर दी गई है। और गाइस सीट्स है ना वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी प्रीमियम सीट्स आप देख सकते हो, मतलब पूरा जो है आपका इंटीरियर जो है ना वो आपके एक्सटीरियर कलर्स बाहर के कलर से वो पूरा मैच खाता है, ग्रीन और ब्लैक कलर। तो गाइज अपन आ गए हैं अंदर, और यहाँ पर जो है अपना बटन है इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ये देखो, तो इसको अपना इग्निशन जो है वो करते हैं यहाँ पर ऑन। ये देखो अपना इग्निशन जो है वो ऑन हो गया है, ये देखो। तो गाइज ये है यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर, ठीक है, आप देख सकते हो 10.25 का जो है प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर जो है वो यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाता है, ये देखो। और बाकी गाइज इसके अंदर यदि अपन बात करें तो अपन को जो है इस साइड में अपना जो है यहाँ पर स्पीड जो है वो यहाँ पर शो करती है। गाइज आपको लग रहा होगा कि ये मीटर्स है, एनालॉग मीटर्स, लेकिन नहीं गाइज ये एनालॉग मीटर्स नहीं है, ये अपनी पूरी इंफोटेनमेंट डिजिटल क्लस्टर है, और इस पर कुछ इस टाइप से जो है इनको डिजाइन किया गया है, जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पर अपन को जो है एनालॉग डिजिटल क्लस्टर एनालॉग जो है वो यहाँ पर मीटर मिले, लेकिन गाइज ये पूरा डिजिटल, इसके अंदर आपको सारी नेविगेशन वगैरह, इंजन लाइट, बैटरी लाइट, सीट लाइट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह के जो है वो सारे जो है फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। आपके आरपीएम वगैरह सारे शो करता है, और यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी वगैरह शो करता है। और गाइज ये अपना मेन स्टेयरिंग यहाँ पर जो है सेंटर के अंदर आपको मिल जाती है हुंडई की बेजिंग। और गाइज जो स्टेयरिंग है ना वो भी काफी यूनिक है, यहाँ पर जो है इसको पूरा जो है कवरिंग किया गया है, ये देखो पूरा जो है मतलब अच्छी क्वालिटी का अपन बोल सकते हैं, काफी प्रीमियम जो है वो इस पे काम जो है वो किया गया। अब इस साइड में कुछ मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वॉइस कमांड मोड है, यहाँ पर मोड का जो बटन है वॉल्यूम अप डाउन के, कॉल रिसीविंग के है, और इस साइड में जो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है वो फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो हेडलाइट एडजस्टमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपके जो है वाइपर एडजस्टमेंट के जो है वो कंट्रोल्स दिए गए। बाकी साइड में जो है आपको ये मिल जाता है एसी वेंट्स। अब गाइस इनमें भी काफी प्यारा काम हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये इंसर्ट्स जो है वो ग्रीन कलर के अंदर जो है वो इंसर्ट्स यहाँ पर दी गई है, जो कि काफी एक प्रीमियम जो है वो गाइस लगती है। और इसके अंदर एक और देखो, ये देखो यहाँ पर एमोलेड लाइट भी दी गई है, यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, जो रात के टाइम पर आपको काफी यूनिक लुक जो है वो देता है। अब आपको जो डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का ही मिलेगा एज यूजुअल गाइस, और यहाँ पर आपको जो है स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर भी मिडल में आपको ये मिल जाते हैं एसी वेंट, जिनके अंदर इंसर्ट दिया गया है ग्रीन कलर के अंदर, काफी प्यारा जो है वो लगता है। सेंटर में आपको मिल जाता है 10.25 इंच का बड़ा सा ऑटो एप्पल कारप्ले, जिसके अंदर आपको नेविगेशन वगैरह के जो है वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो रेडियो वगैरह के जो है वो वॉइस मेमो, नेविगेशन, ब्लू लिंक वगैरह, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारे जो फंक्शन है वो इसके अंदर गाइज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं अपने एसी के इवेंट्स, या आपका यहाँ पर पार्किंग स्विच मिल जाता है, और ये आपके हैं सारे एसी के कंट्रोल। नीचे आपको 120 वाट का जो है यहाँ पर ये चार्जर मिल जाता है, सॉकेट, और मिडल के अंदर यूएसबी चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, और टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर मिलता है आपको
वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि काफी आजकल काफी एक अच्छा फीचर है गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये अपना मैनुअल गियर लीवर जो कि 6 स्पीड गियर्स के साथ में आता है। तो गाइज यहाँ पर जो है एक बटन दिया गया है व्यू। अब इससे क्या होता है गाइज, यहाँ पर आता है 360 व्यू कैमरा। आप ये देखो, ये इसका फ्रंट से है और ये गाइज इसका है 360 व्यू पूरा कैमरा, ठीक है। अब आपको जो है इसका ये देखो फ्रंट का, ये यहाँ पर पीछे का पूरा जो है ये देखो। तो गाइज आजकल ये जो फीचर्स है ना वो काफी सारी गाड़ियों में जो है वो आने लगे हैं और गाइज ये आजकल जो है इम्पोर्टेंट भी होने लगे हैं। बाकी गाइज इसके अंदर और फीचर्स की बात करूं तो सबसे जरूरी जो फीचर है आज के टाइम पर जो कि होना ही चाहिए, कंपलसरी है, वो है गाइज ये आप देख सकते हो डैश कैम, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, पूरी जो है 360 रिकॉर्डिंग होती है, आप इसके अंदर देख सकते हो। आगे से जो है यहाँ से ये वाला जो कैमरा है इससे जो है आपके अंदर वाली रिकॉर्डिंग होगी और इसके पीछे भी जो है गाइज यहाँ पर कैमरा है इस साइड में, जिससे जो है आपके गाड़ी के जो फ्रंट में है वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है होगी। और गाइज ये सारे इसके ऑपरेशन बटन से जिसे आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हो। तो गाइज ये फीचर जो है ना वो सभी गाड़ियों में होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर मिल जाता है आपको SOS विथ मिरर और गाइज ये दिया हुआ है यहाँ पर आपके सन ग्लासेस के लिए होल्डर और ये मिल जाती है आपकी यहाँ पर लाइट्स और गाइज ये देखो जो कि LED के अंदर दी गई है और यहाँ पर अपनी मिल जाती है फुल जो है पैनारोमिक सनरूफ। तो आप इसको भी जो है आपको खोल कर दिखाते हैं, ये देखो ये अपनी फुल जो है पैनारोमिक सनरूफ है ये देखो। तो गाइज जो व्यूज है ना वो काफी अच्छे आते हैं यदि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, तो गाइज ये काफी अच्छे जो है वो फीचर मेरे को लगा। ये आजकल जो है हर गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन पैनारोमिक जो है ना सनरूफ वो काफी लिमिटेड गाड़ियों में जो है वो दी जाती है। अब गाइज इसको जो है अपन ओरली बंद करते हैं, यहाँ से देखना आप। अभी इसको जो है सेटअप नहीं किया गया है, वरना जो है आप वॉइस कमांड से भी जो है वो इसको जो है सनरूफ को जो है बंद करते थे बंद कर सकते हो। बाकी अभी जो है अपन को जो है वो इसको मैन्युअली ही यहाँ पर जो है वो बंद करना पड़ेगा। ये देखो ये पूरी क्लोज हो गई है। अब गाइज इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एमोलेड जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है गाइज। 6 एयरबैग्स आते हैं सेफ्टी के लिए जो कि काफी अच्छे हैं। इसके अंदर जो है टायर रिडक्शन वगैरह के जो ये फीचर्स है ना वो भी आते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये यूनिक सा स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपकी जो है ये गाइज ये भी फिनिशिंग काफी प्यारी है और ये है आपके ओवरऑल जो है इंटीरियर का लुक गाइज। यहाँ पर पार्किंग जो है वो यहाँ पर स्विच मिल जाता है ऑटो होल्ड का और बाकी यहाँ पर आपके कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर मिडल में मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट। आपको जो है वो ले चलते हैं इसकी पीछे की रेयर सीट्स पे और जो है आपको पीछे की जो है वो यहाँ पर सीट्स दिखाते हैं गाइस। सीट्स काफी प्रीमियम और लग्जरी है, इसमें कोई वो नहीं है। अपन को जो है सीट्स काफी कंफर्टेबल जो है वो देखने को मिलती हैं। अब गाइस इसके अंदर पीछे भी यहाँ पर जो है आपको एमोलेड लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती है और गाइस ये जो है ना इनहैंड फील काफी सॉफ्ट है, काफी प्रीमियम इनहैंड फील आती है और यहाँ पर जो आपकी लेदर कवरिंग की गई है। बाकी इसके अंदर जो है कर्टेन्स हैं वो कंपनी फिटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मिल जाती है आपको एक लाइट जो कि गाइस काफी ब्राइट है और जो कि रात के टाइम पर जो है आपको ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइज मतलब हुंडई ने जो है अल्काजर में छोटी छोटी चीजों पर जो है वो काफी ज्यादा फोकस किया है। रेयर सीट पीछे में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, USB चार्जिंग सपोर्ट ये चेकआउट करो। यहाँ पर आपके जो है कुछ कीज वगैरह नहीं आपका मोबाइल वगैरह जो है वो होल्डर मिल जाता है पीछे रेयर AC वेंट से जिनके अंदर इंसर्ट दिया गया है। और गाइज यहाँ पर मिलती है एक छोटी सी LED स्क्रीन। अब ये क्या काम करती है गाइज, यहाँ से आपको सिंपली टेप करना होता है जिससे डस्ट वगैरह जो है ये रिमूव करती है। और गाइज इसके अंदर ये सारे फंक्शंस है जिसके अंदर फिल्टर वगैरह लॉक वगैरह के जो है वो यहाँ पर आपको जो है फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये मेरे को जो है वो काफी अच्छा लगा गाइज, ये हर किसी में जो है
वो आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफी एक अच्छा फीचर है। बाकी गाइस सीट्स वगैरह जो है काफी कूल है, इसके अंदर 5 स्पीकर्स भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और गाइस सीट्स वगैरह जो है पीछे यहाँ पर आपको जो है हेडरेस्ट भी जो है इनके अंदर रेयर में भी जो है आपको देखने को मिल जाता है। गाइस फीचर्स के मामले में गाड़ी में काफी सारे फीचर्स हैं। मैनुअली जो है वो ओपन करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो यहाँ पर अपन को नहीं मिलता है। गाइस 180 लीटर का जो है इसमें बूट स्पेस मिलता है। यदि आप पीछे की दो सीट्स को फोल्ड करते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा जो है वो बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यदि आप पिकनिक वगैरह पर कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो आप अपना काफी सारा सामान जो है यहाँ पर रख सकते हो। यदि आप 5 जने हो तो आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाला है, काफी सारा बूट स्पेस मिल जाता है। और यदि गाइस यदि अपन पीछे की सीट्स को लगाते हैं तो फिर आपके पास में यहाँ पर स्पेस बचता है 180 लीटर का। पीछे भी आपको जो है बोस के स्पीकर्स इंस्टॉल मिल जाते हैं और एक यहाँ पर आपको दिया जाता है लैंप जो कि काफी यूजफुल है। अब पीछे के साइड में यहाँ पर गाइस एसी वेंट दिए गए हैं जो कि काफी प्रीमियम है और जो है काफी कम गाड़ियों में जो है ये देखने को मिलते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको जो है आपकी एसी का जो कंट्रोल्स है वो यहीं पर देखने को मिल जाए। तो गाइज मतलब फीचर्स के मामले में अल्काज़र ने कमाल कर दिया गाइज, एक से एक बेहतरीन चीज पर जो है इसने काम किया है। यहाँ पर आपके कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं और गाइज यहाँ पर आपको जो है टोइंग भी दिया गया है जिसपे आप अपना सामान वगैरह ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको जो है सीट बेल्ट भी दिए गए हैं गाइज, पीछे के भी सीट बेल्ट, और गाइज काफी यूनिक स्टाइल से दिए गए हैं। मतलब गाड़ी में जो है छोटी छोटी चीजों पर इतना बह, तो गाइज छोटी छोटी चीजों पर जो है हुंडई ने काफी प्यारा काम किया है। और गाइज गाड़ी के जो है ना ओवरऑल जो है काफी अच्छे फीचर्स हैं और काफी अच्छी बुकिंग के साथ ये गाड़ी अपन को देखने को मिलती है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की। तो गाइज इसमें 1482 का सीसी का जो है 1.5 लीटर टर्बो जीटीआई इंजन है पेट्रोल का, वो इसके अंदर दिया जाता है। 7 सीटर कैपेसिटी के साथ में गाड़ी आती है और गाइज 157 bhp की जो है पावर जनरेट करती है। और गाइज यहाँ पर जो है आपको फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो देखने को मिलती है, दोनों ही आगे और पीछे आपको दोनों में जो है डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, पेट्रोल में आती है। और गाइज फुल टैंक है इसका 50 लीटर का। अब गाइज फाइनल जो है इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 19,3600 रुपये और बाकी RTO वगैरह इंश्योरेंस वगैरह मिला के जो इसकी प्राइस होती है वो 21,91,000 रुपये जो है अप्रोक्स समथिंग जो है वो इसकी प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बाकी आपके एरिया में कितना डिस्काउंट वगैरह जो है उस हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी गाइज गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आप नोटिफिकेशन को भी जो है ऑन कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द तक पहुँचे। तब तक जय हिंद जय भारत।